तो वहीं डोईवाला में दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। बता दें कि रानी पोखरी में भी ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर बुराई पर अच्छाई की जीत के साक्षी बनते हैं। इसके तहत ही मेला कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि दशहरा पर्व में बुराई पर हुई अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसमें रावण दहन किया जाता है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है इस दशहरा मेला आयोजन का, वो यही, क्योंकि दशहरा रावण का और राम का जो हमने तो समय नहीं देखा था वो वाला, लेकिन हम तो किताबों में पढ़ते आए हैं। तो आज हम तो इस जो कलयुग में जो गलत योजनाएं चल रही हैं, गलत जो काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक संदेश है कि भाई इसके खिलाफ लड़ना है और समाज में शांति व्यवस्था लानी है, राम राज्य लाना है। हमारा जो उद्देश्य यही है इस दशहरा मेले का। शाम के टाइम हमारी 5 बजे शिव मंदिर जो रानी पोखरी है वहाँ से झांकी निकली, वो झांकी हमारी 6:15-6:30 बजे यहाँ पे प्रांगण में पहुँचेगी और उसके बाद फिर हमारा जो है रामलीला का मंचन होगा 1 घंटे के करीब, जिसमें हमारे स्थानीय कलाकार उसमें भाग लेंगे और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में और उनके रावण के जो संघर्ष होगा उसके बीच में एक लीला दर्शाई जाएगी और उसके पश्चात रावण जाएगी।